टू माई चैनल नॉलेज फ्यूजन। लास्ट की मैथमेटिकल वीडियो में हमने समझा था कि मैथ डॉट सीबीआरटी क्या होता है, वो फिफ्थ फंक्शन था। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फंक्शन है और उसको ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम हमारा सिक्स्थ फंक्शन मैथ डॉट सील पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मैथ डॉट सील कैसे काम करता है जावा में। देखिए, मैथ डॉट सील, मैथ का मतलब यानी मैथमेटिकल फंक्शन। सील क्या करता है, चीजों को राउंड ऑफ करता है। जैसे कोई नंबर आपने दिया हुआ है तो उसे प्रॉपर राउंड ऑफ करके एक आपको आंसर देगा। इसके कुछ छह केसेस बनते हैं, वो छह केसेस मैं आपको समझाऊंगा, तो इस फंक्शन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम केस ले लेते हैं। देखिए, पहले मैं ये जो छोटा सा कोड लिखा हुआ है ये समझा देता हूं, उसके बाद वो छह केस समझा दूंगा। वॉइड मेन डबल एन, ठीक है। तो अब डबल एन क्यों लिया है, ताकि जब यूजर कोई वैल्यू इनपुट करे तो वो हमेशा डेसिमल पार्ट में हो, इसलिए उसका कोई ना कोई डेसिमल पार्ट हो, तो इसलिए मैंने लिया है डबल एन। जो आउटपुट आएगा वो हमेशा डेसिमल पार्ट के साथ ही आएगा, तो इसलिए मैंने इसको लिया है डबल सीई। सीई एक वो वेरिएबल है जिसमें मैं जो सील का आंसर आएगा वो मैं इसको स्टोर कराऊंगा सीई में, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, पहले वो वेरिएबल लिखिए जिसमें आपको आंसर स्टोर कराना है, उसके बाद मैथ डॉट सील लिखिए। हमेशा मैथ डॉट सील यानी जितने मैथमेटिकल फंक्शन है सबका एम कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद एन लिख दीजिए और लास्ट में सेमी कोलन, और लास्ट में उसे प्रिंट करा दीजिए। अब हम लेते हैं केस वन। केस वन में क्या होगा, मान लीजिए एन की वैल्यू यूजर ने इनपुट की है 5.1, ठीक है। तो मैथ डॉट सील एन यानी कि मैथ डॉट सील एन में क्या होगा, एन के अंदर 5.1 आ जाएगा। तो मैथ डॉट सील 5.1 में सीई में क्या स्टोर हो जाएगा, सीई में आपका 5.0 स्टोर हो जाएगा। राउंड ऑफ करके आंसर 5.0 आना चाहिए, पर सील में ऐसा नहीं होता। सील में इसका आउटपुट आएगा 6.0। ऐसा क्यों, देखिए जब भी कोई नंबर सील में होता है तो हमेशा जो नेक्स्ट नंबर होता है उस तक पहुंचा के देता है। यहां पे 5.1 यानी 5 से बड़ा था ना, तो अभी वापस 5 पे नहीं जा सकता, हमेशा ग्रेटर नंबर देगा, ग्रेटर देगा या फिर इक्वल देगा। अभी इक्वल वाली बात क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। अब ले लेते हैं हम एक सेकंड केस। अब मान लीजिए सील के अंदर केस है 5.0, तो अब इसमें तो कुछ राउंड ऑफ हो ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी कंप्लीटेड राउंड ऑफ है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 5.0। ये दूसरा केस हो गया कि जब नंबर में कोई डेसिमल पार्ट नहीं है यानी 0.0 है, तब वो ही इसका एज अ आउटपुट आ जाएगा। अब इसके बाद अब हम लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में मान लीजिए कि 5.5 से भी बड़ा नंबर है, 5.8, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी राउंड ऑफ होकर नेक्स्ट नंबर आएगा, दैट इज 6.0। ये हमारा थर्ड केस था। चाहे नंबर कितना भी 0.5 से ज्यादा हो 0.5 से कम हो, हमेशा वो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू ही देगा, जो आपने इनपुट किया है उससे बड़ी ही वैल्यू देगा, ठीक है। अब हम फोर्थ केस लेते हैं। फोर्थ केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम लेते हैं -7.0। अभी तक तो हम ज्यादातर पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे थे, अब ये नेगेटिव नंबर आ गया। -7.0 क्या होगा, इसका आंसर -7.0 ही आएगा, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। 7.0 में कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, तो कोई डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, -7.0 ही आएगा, ठीक है। हम अब अपना फिफ्थ एग्जांपल लेंगे, जो फिफ्थ केस मैंने आपको बताया था। फिफ्थ केस है हमारा -7.8। तो अब कायदे से मैंने आपको बताया कि सील क्या करता है, जो भी है राउंड ऑफ करके एक ग्रेटर देता है, तो -7.8 को राउंड ऑफ करके -7.0 दे देगा। इसने -8 क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप खुद सोचिए, हमेशा -8 जो होगा, मैं यहां लिख देता हूं -7.8, ये बड़ा होगा -8 से और छोटा होगा -7.0 से, तो हमेशा ये बड़ा नंबर देता है, तो बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, -7.0, इसलिए उसने आउटपुट दिया है -7.0। अब हम लास्ट केस लेते हैं ताकि आपको सील अच्छे से समझ में आ जाए।
तो ये मैंने लिया -7.1। -7.1 का आउटपुट क्या आएगा? -7.1 का आउटपुट आएगा -7.0। ऐसा क्यों हुआ? देखिए -7.8 -8 से बड़ा है पर -7.0 से छोटा है। मैंने हमेशा बताया राउंड ऑफ करके बड़ा नंबर देता है, तो इसलिए आउटपुट -7.0 आ गया। तो आई होप कि आपको सील फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया हो कि सील फंक्शन कैसे वर्क करता है या इसकी कोडिंग जावा में कैसे की जाती है। ये बहुत ही टिपिकल फंक्शन है। इसके जैसा एक फंक्शन और है मैट डॉट फ्लोर, जो मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।